समिति की दो दिवसीय बैठक सोमवार को संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को जोधपुर में विधानसभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों का शंखनाद करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। आज और अभी से ही प्रदेश में मिशन 180 प्लस और मिशन 25 की तैयारियों में पूरे उत्साह के साथ जुट जाएं। उन्होंने कहा कि आज देश में उत्तर से दक्षिण हो या पूर्व से पश्चिम, जिधर भी देखो भाजपा ही भाजपा नजर आती है। बैठक को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी संबोधित किया था। इस बार जोधपुर का आप लोगों ने सोचा कि जोधपुर के अंदर अपने मीटिंग करते हैं, वही मीटिंग के अंदर 200 करीबन लोग जो यहाँ हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यू सबके सामने रखे हैं और ये जरूरी था कि ऐसे ऐसे व्यू सामने आए भी। और आप लोगों ने चुनाव के बारे में कहा, कुछ लोगों ने प्रोग्राम्स के बारे में बातचीत कही, कुछ लोगों ने बारे में बात की। ऑल इन ऑल अच्छा डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन में से बातें निकल के आई है, उसको हम आगे तैयार करना। दो दिन की इस राजस्थान प्रदेश की कार्य समिति की बैठक, हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह ने कहा कि हर तीन महीने में एक बार राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, हर उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद 7 दिन के अंदर अंदर सभी जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक होगी और उसके 10 दिन के अंदर अंदर सभी मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। जो राष्ट्रीय कार्य समिति में हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो